कैसे आप सब, मेरा नाम मारो, आप देख रहे हैं ए डॉट ए इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वैसे आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिवाइस जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो 3.7 वोल्ट का जो सेल है वो फुल चार्ज है या नहीं। सो गाइस, वो डिवाइस से अंदर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यूज करके हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो गाइस, चले शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे। सो गाइस, पहला जो कंपोनेंट है वो इस रजिस्टर चार्ट में से है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, पहले हमको चाहिए 220 ओम का जो रजिस्टर है ना, ये चाहिए, और एक चाहिए 330 ओम का एक रजिस्टर। सही है, 220 और 230 ओम का एक रजिस्टर चाहिए हमको, वो मैं निकाल लूँगा। और ये चाहिए हमको IN4007 का डायोड। आप देख सकते हो, अगर मैं दिखा सकूँ तो IN4007 का डायोड शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ। सो कैसे एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, और हमको चाहिए ये BC547। मैं आपको बता दूंगा, आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो ऊपर BC547 ये चाहिए। और मतलब कितने कंपोनेंट, 1, 2, 3 और 4, चार कंपोनेंट ये हो गए। और ये पांचवा और छठा, ये है ग्रीन LED, ये बताएगी कि फुल चार्ज है, और ये बताएगी कि लो चार्ज है। सही है, तो ये दो LED और ये BC547, आप देख सकते हैं IN4007 डायोड, और ये दो 220 ओम 330 ओम। सो गाइस, पहले मैं ये दो रजिस्टर को चार्ट में से निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये रहा 330 ओम का रजिस्टर, कलर कोडिंग देख सकते हो, और ये रहा 220 ओम का रजिस्टर। ठीक है, दो LED हो गई BC547। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, फोकस हो जा, BC547। सो गाइस, सब सामान मैंने कलेक्ट कर लिया है, ये डायोड भी मैंने निकाल लिए। ठीक है, ये IN4007 सही है। तो गाइस, अभी मैं छोटे आपको कनेक्शंस बता दूं। सो गाइस, इसकी जो ये जो लेग है ना, इसके बीच में लगेगा ये वाला। सो गाइस, मैं इसके ऊपर अभी अब सोल्डरिंग करके नहीं बताऊंगा, मैं पूरा बना के बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेग्स बहुत छोटी है और वीडियो के अंदर बनाना मेरे को टाइम लगेगा। तो क्योंकि हम एक्सपर्ट्स नहीं है, मैं साफ बोलूँ, हम एक्सपर्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते इतनी इजीली। तो गाइस, थोड़ा हार्ड है मेरे लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शन, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये वाला रजिस्टर यहाँ पे लगेगा बीच में, ठीक है, फिर ये वाली लेग के यहाँ कैथोड पे यहाँ पे डायोड लगेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे LED लगेगी, और फिर यहाँ पे ये वाला 330 ओम वाला रजिस्टर लगेगा, और फिर आगे जाके ये वाली LED लगेगी। ठीक है, और फिर वहाँ पे मैं आपको पहले पूरा बना देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या हुआ और क्यों कैसे हुआ, मतलब क्या कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी, वो सब मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो गाइस, पहले मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो, मैंने ये जो सर्किट था मैंने तैयार कर लिया है, अभी मैं आपको दिखा दूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो, तीन पिन है, एक येरी, ये BC547 की बता, एक येरी और एक येरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे जो था उसके अंदर मैंने यहाँ पे डायोड कनेक्ट कर दिया। अब देख सकते हो, उसका जो माइनस वाला जहाँ पे सिल्वर लाइन होगी ना, वो बीच वो उस साइड को है ना, यहाँ पे कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग पे, और उसके बीच में यहाँ पे LED लगा दिए मैंने। ठीक है, LED का माइनस इस साइड पे आ रहा है, पॉजिटिव उस साइड पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डायोड आ गया, फिर यहाँ पे LED से थोड़ा आगे मैंने रजिस्टर लगा दिए 330 ओम,
और यहाँ पे कैथोड की जो पॉजिटिव है वहाँ पे मतलब ये डायोड की जो अपोजिट साइड है ना कैथोड की, यहाँ पे डायोड की यहाँ पे मैंने ग्रीन एलईडी कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे इसका प्लस जा रहा है और यहाँ पे इसका माइनस आ रहा है। ग्रीन जो एलईडी है इसका माइनस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ लो वाले सेल को यहाँ पे कनेक्ट करके। मैं आपको बता देता हूँ कि ये लो जल रही है क्या, ये ग्रीन जल रही है, रेड। लो सेल कनेक्ट करूँगा तो ये रेड वाली लाइट जलेगी। अगर 4 वोल्ट से ऊपर तक का कुछ कनेक्ट पावर पावर दूंगा तो ये ग्रीन वाली लाइट जलेगी। सो गाइस अभी मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है ना पॉजिटिव की पावर की पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगेगी और नेगेटिव वायर यहाँ पे लगेगी। ओके तो गाइस अभी मैं इसको टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो ये मेरे पास सेल और ये पड़ा हुआ है। सो गाइस ये सेल बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव ये रहा और नेगेटिव ये रहा। इसका पॉजिटिव ग्रीन है और नेगेटिव ये है वाइट। इसका मैंने नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसका पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देख सकते हो रेड लाइट जल रही है। ये रेड लाइट मैंने ये वाली गलती से ये यूज़ कर ली है क्योंकि मेरे पास वो वाली नहीं थी। सो गाइस ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ग्लो नहीं करती। अब देख सकते हो ये एलईडी जल रही है, ठीक है। आप देख सकते हो ये एलईडी जल रही है। ये क्योंकि लो दिख रही है क्योंकि ये एलईडी पता नहीं कैसी है कि दिखती नहीं है। अब देख सकते हो अगर मैं तार हटा रहा हूँ तो ग्लो हो नहीं हो रही, तार लगा रहा हूँ ग्लो हो रही है। ओके सो गाइस मैंने ये लो सेल के साथ कनेक्ट करके दिखा दिया। अभी मैं इसको 4 से 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दूंगा। आप देख सकते हो ये कम से कम 4 से 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वाली वायर कनेक्ट। सो गाइस आप देख सकते हो ये वाली एलईडी बहुत, ये वाली एलईडी मेरे को यूज़ करनी थी रेड की जगह पे ही, मतलब ऐसी रेड यूज़ करनी थी क्योंकि अब देखिए इसकी ग्लो अच्छी है। क्योंकि मेरे पास वो वाली नहीं थी तो मैंने ये यूज़ किया। आप देख सकते हो अब 4 से 5 वोल्ट है तो ये ग्रीन लाइट जल रही है। तो गाइस अभी मेरे पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है, वरना तो मैं आपको चेक करवा देता कि इसके अंदर कितने वोल्ट आ रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने 2 मिनट के अंदर, 5 6 मिनट के अंदर कम से कम ये मैंने डिवाइस पूरी कंप्लीट कर ली। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दे लाइक, हमारे चैनल ए डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो गाइस प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि जब भी हमारी नई वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बाय।